अब यूपी की खबरें देखें भी, खबरें पढ़ें भी। लॉग ऑन कीजिए www.uptak.in पर। फिरोजाबाद जिले में बेकाबू डेंगू और वायरल फीवर से लोगों में दहशत है। आलम यह है कि अधिकारी अब गली गली छान मार रहे हैं। डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए तरह तरह की शिक्षा दी जा रही है। फॉगिंग से लेकर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव जगह जगह चल रहा है। खुद जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि अगर कोई भी अगले एक महीने तक कूलर में पानी भरता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसी बीच फिरोजाबाद प्रशासन ने डेंगू से निपटने के लिए एक अलग तरीके का खोज निकाला है। दरअसल प्रशासन ने डेंगू के लार्वा से निपटने के लिए मछली का प्रयोग करने का फैसला किया है। जी हाँ, अब फिरोजाबाद में मछलियाँ दिलवाएंगी डेंगू के कहर से निजात। दरअसल इस मछली का नाम ग्लूम्बोजिया है और ये मछली सिर्फ डेंगू ही नहीं बल्कि आपको मलेरिया की चपेट में आने से भी बचा सकती है। ये एक ऐसी मछली है जो डेंगू मलेरिया फैलाने वाले जानलेवा मच्छरों के लार्वे को खाकर फिरोजाबाद को मच्छरों के प्रकोप से बचा सकती है। अब फिरोजाबाद स्वास्थ्य विभाग डेंगू मलेरिया के मच्छरों से लड़ने के लिए इको फ्रेंडली तरीकों को बढ़ावा दे रहे हैं। मलेरिया और डेंगू के प्रकोप से निपटने के लिए ग्लूम्बोजिया मछली को हथियार बनाने की तैयारी स्वास्थ्य विभाग शुरू कर चुका है। फिरोजाबाद के डेंगू प्रभावित इलाकों के तालाबों में ग्लूम्बोजिया मछली छोड़ने का काम शुरू हो गया है। दरअसल ये मछलियां डेंगू और मलेरिया के लार्वा मिलते ही तेजी से उन्हें खाना शुरू कर देती है, क्योंकि जितने तेज गति से इन बीमारियों का लार्वा बढ़ता है उतनी तेज गति से ये मछलियां उन्हें खाती हैं। हमारे जिला फिरोजाबाद में डेंगू का और वायरल बुखार का बहुत ही बड़ा प्रकोप फैला हुआ है, जिसके लिए कि मुख्यमंत्री जी तक ने दौरा भी किया था। तो इसी क्रम में इस युद्ध से लड़ने के लिए प्रशासन ने एक ग्लूम्बोजिया प्रजाति की मछली मंगाई है। ये मछली जो है हमारे जो तालाब होते हैं उनमें जल में जो जितने भी मच्छर के लार्वा होते हैं इनको नष्ट करती है। तो प्रशासन की एक ये पहल है कि शायद हम इन तालाबों में डाल के विशेष रूप से जो आबादी के पास में जो तालाब हैं तो वहाँ से मच्छरों को हम कंट्रोल करने के लिए प्रयास किया गया। तो इसी क्रम में मुझको भी अपने गांव के लिए एक पैकेट मछली का दिया गया था, जिसको कि मैंने अपने गांव के दो तालाबों में जो कि आबादी से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। फिरोजाबाद के सीएमओ दिनेश कुमार ने बताया कि ग्लूम्बोजिया मछली का इस्तेमाल इससे पहले कई जगहों पर किया जा चुका है और ये प्रयोग काफी सफल रहा है, इसलिए प्रशासन ने फिरोजाबाद के तालाबों में भी इस मछली को छोड़ने का फैसला किया है। देखिए, ये ग्लूम्बोजिया मछली है और ग्लूम्बोजिया मछली की क्वालिटी है कि वो जो डेंगू का लार्वा उसे खाती है और एक दिन में करीब करीब 100 लार्वा खाती है। जब 100 लार्वा खाएंगी तो ये इनकी ग्रोथ होती रहेगी। आज हमने 50 पैकेट बदायूं से मंगवाए हैं और लगभग उन्हें 25,000 मछलियाँ हैं विभिन्न विभिन्न तालाबों में डलवा दी हैं प्रशासन के सहयोग से। हमारे DMO साहब साथ में थे। उसका क्या होगा कि आने वाले समय में वो तालाब में जो लार्वा होगा वो अपने आप ही वो ग्लूम्बोजिया मछली ख़त्म कर देगी। ये अनूठा प्रयोग है और ये कई जगह सफल, बदायूं में सफल रहा, उससे पहले बरेली में सफल रहा। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी लार्वा हैं, क्योंकि हम लगातार प्रशासन और हमारे सारे ACMO सारे DCMO लगातार फील्ड में हैं और ये देख रहे हैं जहाँ पानी गंदा भरा है कि वहाँ लार्वा है और लार्वे की वजह से मच्छर चाहे एनोफिलीज हो या अदर दूसरे मच्छर वो पैदा हो रहे हैं। अगर लार्वा ही खा लेंगे तो बाकी मच्छर को खत्म कर लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रशासन बस मछली के भरोसे ही इस जानलेवा बीमारी से पार पाना चाहता है। प्रशासन ने अपनी ओर से लोगों को समझाने और जागरूक करने का भी काम कर रहा है। इस समय महामारी थमने का नाम नहीं ले रही। जिलाधिकारी सहित सारे अधिकारी सड़कों पर हैं, गलियों गलियों में घूम रहे हैं। हमारे साथ इस समय जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह हैं। इनसे जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये गलियों गलियों में आ रहे हैं लेकिन फिर भी डेंगू वायरस पर कंट्रोल नहीं है। मरीजों की संख्या अभी उतनी कम नहीं हुई है जितनी कि विभाग मेहनत कर रहा है। सर, क्या हुआ ऐसा कि आप गली गली में चक्कर लगा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से बीमारी है डेंगू की और हम लोगों ने जो फीडबैक लिया, हम लोगों ने जाके देखा, घर घर के अंदर लोगों ने अपने घर में बर्तनों में पानी भरा हुआ है, पुराना कूलरों में पानी भरा हुआ है, उस चीज़ को वो जागरूक है ही नहीं कि मच्छर वहीं से पैदा हो रहा है। तो ये इसलिए हमारी पूरी टीम और स्वयंसेवी संस्थाएँ, नेहरू युवा केंद्र, हमारे राजस्व विभाग की टीम, सब लोगों को लेके हम लोग साथ में आज निकले हैं कि मोहल्ला वाइज हर घर की चेकिंग हम लोग करें ताकि
लोग भी जागरूक हों। मेरे द्वारा अभी लोगों को संबोधित करके उनको बताया भी गया और लोगों ने उसमें आश्वस्त भी किया है कि वो अपने घर की भी इस तरह की गंदगी दूर करेंगे। अगर कूलर की जाली है तो उसको जलाना है और कूलर के अंदर पीछे पानी भरा हुआ है तो उसको भी खाली करना है। ये सारी चीज़ें उनको बताई जा रही हैं। जागरूकता का अभाव है बहुत ज़्यादा और शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग बीमार हैं, यहाँ पर डेंगू का प्रकोप है और ये कहीं ना कहीं लोगों के घर से ही शुरू हुआ है और आसपास के मोहल्लों में फैला है। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।